प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। 23 तारीख से ओलंपिक शुरू होना है, उससे पहले जो भारतीय खिलाड़ी जो वहां पर जा रहे हैं अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, उनके साथ संवाद, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री। पूर्व में खेल मंत्री रहे आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी के खेल फेडरेशन के अधिकारी एवं प्रतिनिधि, खिलाड़ी मित्रों और देश भर से जुड़े हुए खिलाड़ियों के परिजन, भाई और बहनों, मैं यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहर्ष स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हर परिस्थिति में हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है और आज भी विशेष रूप से टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने, उनका मार्गदर्शन करने और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं यहां पर उपस्थित सभी ऑफिशियल्स, कोच स्टाफ, स्पोर्ट स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बलबूते हमारे यहाँ प्रतिभावान प्लेयर्स टोक्यो ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। आपके आदेश पर खेल मंत्रालय ने किसी तरह की कोई कमी खिलाड़ियों की सुविधा में नहीं रखी है। टॉप स्कीम से लेकर DGCI से लेकर खेल मंत्रालय ने हर तरह से प्रयास किया है कि हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी, खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, समुदाय के बंधन के 130 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र से जोड़ता है। देश के 22 राज्यों से 18 खेलों के 126 एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी खेल के प्रति अभिरुचि, खेलों को बढ़ावा देने की आपकी कार्यशैली, आपके द्वारा खिलाड़ियों को दिया गया प्रोत्साहन हमेशा सराहनीय और प्रेरणादायक रहा है। कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों के दौरान भी आपने खिलाड़ियों का मनोबल नहीं गिरने दिया और समय समय पर आपने खिलाड़ियों से वार्तालाप करके उनका मार्गदर्शन भी किया है और उन्हें जोश से सरोबार भी किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल ही में आपने समस्त देशवासियों से टोक्यो ओलंपिक्स जाने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया का आह्वान भी किया था। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, देश भर के कोने कोने, लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, लोग सेल्फीज भी खींच रहे हैं, डाल भी रहे हैं, खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। और आज जब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत करेंगे, कल से पूरे देश के लोग हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद, योगदान, सहयोग देने के लिए और चीयर करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। आपके ही इस प्रयासों की वजह से समस्त भारत में ओलंपिक्स के प्रति जागरूकता एवं लगाव और बढ़ गया है। मैं मानता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व से हमारे खिलाड़ी अपना परचम लहराने और देश को मेडल दिलाने में जरूर कामयाब होंगे और इस ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करेंगे। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, सभी खिलाड़ी भाई और बहनों को, जब आप जा रहे हैं तो देखिए देश के प्रधानमंत्री जी आपसे बात करके आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं। एक ही संदेश देना चाहता हूं, साथ तुम्हारे पूरा देश, बस तुम आगे बढ़ते जाना, भारत माँ का यही संदेश टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत कराना। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद और सभी खेल संघों का और सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री बत्रा जी से संबोधन करने का अनुरोध करता हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी, ऑनरेबल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी,
ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर स्पोर्ट्स श्री निशित परमानिक जी, डियर एथलीट्स एंड ऑफिशियल्स, इट इज एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर एवरी मेंबर ऑफ इंडियन कंटिंजेंट कि वह टोक्यो जाने से पहले अपने देश के प्रधानमंत्री जी से शुभकामनाएं और आशीर्वाद लें। आई वुड लाइक टू शेयर विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि हमारा जो डेलीगेशन टोक्यो जा रहा है उसमें 67 मेल एथलीट्स, 52 फीमेल एथलीट्स, 58 टीम ऑफिशियल्स, 43 ऑल्टरनेट एथलीट्स एंड अदर ऑफिशियल्स और 8 कंटिंजेंट स्टाफ। टोटल हमारा कंटिंजेंट 228 का है। भारत के एथलीट 85 मेडल पॉसिबिलिटीज पर कम्पीट करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में। सर, भारत का पहला कंटिंजेंट 17 जुलाई 2021 को भारत से टोक्यो के लिए जाएगा जिसमें 90 एथलीट्स और ऑफिशियल्स होंगे। भारत के एथलीट्स और ऑफिशियल्स जो विदेश में ट्रेन कर रहे हैं वह डायरेक्टली वहीं से टोक्यो जाएंगे। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया एंड मिशन ओलंपिक सेल ने जो पिछले 5 साल में सपोर्ट किया है एथलीट का ट्रेनिंग के लिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू क्रेडिट ऑल आर एथलीट्स हु हैव पर्सोनिफाइड द मीनिंग ऑफ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट एज दे हैव फेस्ड डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस विद करेज, डिटर्मिनेशन एंड इंटेंस फोकस टू अचीव देयर गोल्स। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, भारत का पूरा जो टोक्यो जा रहा है is looking up sir, and the example you have set for us to forge ahead on our path to achieving excellence for India, is vishay mein I am confident that your best wishes will go a long way in adding to the motivation of our athletes as they compete to bring glory to our country. I conclude by conveying my sincere thanks to all present here today for showing their support and best wishes to the athletes and officials representing India in the Tokyo Olympics. May our athletes feel the strength and prayers of every Indian citizen cheering from them for their home. Thank you, Honorable Prime Minister, sir. Thank you, everyone. Jai Hind. अब मैं टोक्यो जाने वाले एथलीट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करें। सबसे पहले मैं दीपिका कुमारी जी से अनुरोध करूंगा। दीपिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। दीपिका जी, पिछली मन की बात में मैंने आपकी और कई साथियों की चर्चा की थी। अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है, अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर, स्टार्टिंग से ही। आम मुझे बहुत पसंद था इसलिए स्टोरी पर ही, बट मैंने बैम्बू ग्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न वॉक पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। दीपिका जी, जब आप सफलता के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर, उम्मीदें तो है लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी, आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है और मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन पर मुझे आपके परिवारजन भी दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी।
आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आइए हम अब प्रवीण कुमार जाधव जी से बात करते हैं। प्रवीण जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाय कृष्ण हाय। बराए सर। बराए। प्रवीण जी मुझे बताया गया कि आपकी ट्रेनिंग पहले एथलीट बनने के लिए हुई थी, आज आप ओलंपिक में तीरंदाजी के लिए देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये बदलाव कैसे हुआ? सर पहले मैं एथलेटिक्स करता था, तो मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट के एकेडमी में एथलेटिक्स के लिए हुआ, तो वहां के कोच थे तो मेरा बॉडी थोड़ा कमजोर था उस टाइम, तो वो बोले कि आप दूसरे गेम में अच्छा कर सकते हो, तो उसके बाद मुझे आर्चरी गेम दिया गया, तो उसके बाद मैंने अमरावती में आर्चरी गेम कंटिन्यू किया। अच्छा, और इस बदलाव के बावजूद भी आप अपने खेल में कॉन्फिडेंस और परफेक्शन कैसे लाए? सर मेरा एक्चुअली घर से इतना मतलब अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मेरे सामने आपके माताजी पिताजी दिख रहे हैं मुझे, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। हाँ, बताइए। मुझे पता था घर जाके मुझे भी मजदूरी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो यहाँ मेहनत करके आगे कुछ अच्छा करना है, इसलिए मैंने इसमें कंटिन्यू किया। देखिए आपके बचपन के कठिन संघर्ष के बारे में काफी जानकारी ली है, और आपके माता पिता ने भी जिस प्रकार से पिताजी दिहाड़ी मजदूरी से लेकर आज देश का प्रतिनिधित्व करने तक की यात्रा बहुत प्रेरणादायी है, और ऐसे कठिन जीवन आपने बिताया है, लेकिन लक्ष्य को कभी अपने आंखों के सामने से हटने नहीं दिया। आपके जीवन के शुरुआती अनुभवों ने चैंपियन बनने में आपकी क्या मदद की? सर जहाँ मुझे खुद कम मतलब लगता था कि यहाँ थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, वहां मैं यही सोचता था कि अभी तक जितना भी किया अगर यहाँ हार मान जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा कि ज्यादा और कोशिश करके इसको सफल करना है। प्रवीण जी आप तो एक चैंपियन है ही, लेकिन आपके माता पिता भी मेरी दृष्टि से चैंपियन है, तो मेरी इच्छा है कि माता पिता जी से जरा बात करूं मैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने मजदूरी करते हुए अपने बेटे को आगे बढ़ाया, और आज आपका बेटा ओलंपिक में देश के लिए खेलने जा रहा है, आपने दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी की ताकत क्या होती है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण पुढे जाव, खेळून प्रवीणच्या पाठीमाग चार मुले आहेत, ते सुद्धा त्यांनी जाऊन पुढे प्रवीण सारखं ऑलिम्पिक घेऊन यावं। वा प्रकृती बरी आहेत ना? हा बरे बरी आहेत। देखिए आपने साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने की चाह हो तो परेशानियां किसी को रोक नहीं सकती। आपकी सफलता से ये भी स्पष्ट हो गया कि ग्रास रूट स्तर पर अगर सही चयन हो तो हमारे देश की प्रतिभा क्या नहीं कर सकती। प्रवीण आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है मेरी, और फिर से एक बार आपके माता पिताजी को भी प्रणाम है, और जापान में जमकर खेलिएगा। अच्छा अब हम नीरज चोपड़ा जी से बात करेंगे। नमस्ते सर। नीरज जी आप तो भारतीय सेना में हैं, और सेना के ऐसे कोने से अनुभव है, जो अनुभव वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी, और मैं 5-6 साल खेला, उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला, तो मुझे काफी खुशी हुई, फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया, और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूँ, और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी
और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूं। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूं, आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको तो आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखता है सर, क्योंकि हमारा यही सफर है। कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा एक साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कम बैक किया, अच्छे से मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला, उसमें ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हो गया, तो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी सर, और फिर उसके बाद जो दोबारा से कॉम्पिटिशन खेले और फिर अपनी बेस्ट करके नेशनल रिकॉर्ड किया। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी, बहुत अच्छा, आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, आप अपना शत प्रतिशत दीजिए, बस यही मिजाज, बिना किसी दबाव के पूरा प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं है और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। आइए दुती चंद से बात करते हैं। दुती जी नमस्ते। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नमस्ते। दुती जी, आपके तो नाम का ही अर्थ है चमक, दुती का मतलब ही होता है आभा, और आप खेल के जरिए अपनी चमक बिखेर भी रही है। अब आप ओलंपिक में छा जाने के लिए तैयार हैं, इतनी बड़ी प्रतियोगिता तो आप कैसे देखती हैं? पहले तो आपको ये बता देती हूँ, मैं एक वीवर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फैमिली में सिक्स सिस्टर वन ब्रदर, मम्मी डैडी को नाइन मेंबर। जब मेरे घर में लड़की से लड़की पैदा होती रहती थी, गांव वाले ने मेरी मम्मी को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि इतना लड़की क्यों पैदा कर रहे। तो बहुत गरीब फैमिली थे, खाने के लिए डाइट नहीं था और हमारे पापा का इनकम भी बहुत कमी था। आपके माताजी पिताजी मेरे सामने हैं जी, तो मेरा मन में वही था कि मैं अच्छा खेलूंगी तो देश के लिए नाम लूंगी, तो कॉमर्स सेक्टर में जॉब मिल जाएगा और जॉब में जो पगार आएगा इसमें मैं फैमिली का सिचुएशन बदल सकती हूँ। तो आज स्पोर्ट्स के बच्चे आज मैंने बहुत कुछ बदला है मेरे लाइफ को, मेरी फैमिली को, और मैं धन्यवाद दूंगी आपको और मेरे सर को, सर को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आपके उसकी टीम के माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिला है, सिम नवी पंडित सर भी मुझे बहुत मदद किया है और डॉक्टर सर ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरा हमेशा मेरे लाइफ में तो कॉन्ट्रोवर्सी रहता है, आपके टीम के माध्यम से एक बार मदद पता होंगे आपको कि कितना चैलेंज करके कितना दिक्कत सके मुझे मैं आज यहाँ तक पहुँचू। मेरा मन में वही है, मैं जो साथ में ओलंपिक जा रही हूँ, सेकेंड ओलंपिक जा रहा हूँ, ओलंपिक रियल में भी पार्टिसिपेट किया था 36 ईयर के बाद 100 मीटर में पीटी सर दीदी के पास, अभी सेकेंड टाइम ओलंपिक जा रही हूँ। मेरे साथ में हमें हिम्मत तो नहीं चाहूंगी, मैं डरूंगी नहीं, मतलब क्योंकि इंडिया का कोई महिला कमजोरी नहीं है, महिला आगे ही बढ़ते रहेंगे इंडिया में और महिला लोग आगे ही बढ़ते के देश का नाम रोशन करेंगे। मेरे ऐसे हिम्मत के साथ ओलंपिक में खेलूंगी और देश के लिए। जी, आपकी वर्षों की मेहनत का फैसला कुछ ही सेकंड में होना होता है, हार और जीत में पलक झपकने भर की देर होती है, इसका सामना करना कितना मुश्किल होता है? बेसिकली 100 मीटर में देखें तो आसान है, 10-11 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन इसको 1% करने से साल भर लग जाता है।
बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, 1 घंटे मुझे भागने के लिए हमको 10-12 रिपीटेशन लगाना पड़ता है, बहुत सारा जिम एक्सरसाइज, बहुत सारा स्विमिंग पूल एक्सरसाइज करना पड़ता है, और हमेशा चैलेंज की तरह लेना पड़ता है कि वो ब्लॉक स्टार्ट में थोड़ा सा गिर जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई करके निकाल देंगे, तो हर चीज को ध्यान देकर हमको रनिंग करना पड़ता है। नर्वस तो रहता है, मन में डर भी आता है, लेकिन मैं हिम्मत के साथ लड़ाई करती हूँ, जैसे मेरा पर्सनल लाइफ में हिम्मत के साथ लड़ाई करके आ रही हूँ, तो ऐसे हमेशा 100 को हिम्मत के साथ चैलेंज के साथ लड़ाई करके मैं रनिंग करती हूँ, और उसमें अच्छा टाइम भी करती हूँ और देश के लिए मेडल भी लाती हूँ। दुती जी, आपने देश के लिए बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, देश को उम्मीद है कि आप इस बार ओलंपिक पोडियम पर जरूर अपनी जगह बनाएगी। आप निर्भीक होकर खेलों में भाग लीजिए, पूरा भारत अपने ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आपके माता पिता को विशेष प्रणाम। आइए अब हम आशीष कुमार जी से बात करते हैं। आशीष जी नमस्कार, आपके पिता राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी थे और आपके परिवार में कई खिलाड़ी रहे हैं, आपने बॉक्सिंग क्यों चुनी? सर बॉक्सिंग जब मैं छोटा था तो सर हमारे घर पे माहौल खेल का था, तो मेरे फादर बहुत अच्छे प्लेयर रहे थे अपने टाइम में, तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी बॉक्सिंग खेले, तो मेरे पास उस टाइम कबड्डी के कोर्स नहीं किया गया, लेकिन मेरे परिवार में मेरे भाई रेसलिंग खेलते थे और बॉक्सिंग खेलते थे, तो काफी अच्छे लेवल तक खेले, तो मुझे भी इन दोनों में से किसी एक को फोन करने के लिए कहा गया। मैं पतला था और ज्यादा ज्यादा कठिला नहीं था, तो उस वजह से मैंने मैंने सोचा कि रेसलिंग तो नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे शायद बॉक्सिंग ही करनी चाहिए, तो वैसे वैसे सर जब झुकाव हुआ बॉक्सिंग की तरफ इसी तरीके से। आशीष जी, आपने कोविड से भी लड़ाई लड़ी है, एक खिलाड़ी के तौर पर आपके लिए कितना कठिन रहा? आपका खेल, आपकी फिटनेस प्रभावित ना हो, इसके लिए आपने क्या किया? और मैं जानता हूं आपने इस क्रूशियल टाइम में अपने पिताजी को भी खो दिया, ऐसे समय भी आपने इस जो मिशन को लेके निकले थे उसमें जरा भी इधर उधर होने नहीं दिया, तो मैं जरूर आपके मन के भाव जानना चाहूंगा। सर 25 दिन पहले, कंपटीशन के 25 दिन पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से मैं काफी सदमे में था कि मैं इमोशनली भी बहुत हर्ट हो चुका था, काफी प्रॉब्लम जो है मुझे उस टाइम फेस करनी पड़ी, तो उस टाइम मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो फैमिली सपोर्ट की थी, और मुझे मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे परिवार के सभी जनों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मेरे दोस्तों ने भी काफी मुझे बार बार मोटिवेट किया कि मुझे मेरे फादर का सपना पूरा करना चाहिए, जो जिस सपने की शुरुआत में, बॉक्सिंग की शुरुआत में जो उन्होंने सपना देखा था मेरे लिए। तो सर सारा काम छोड़ के उन्होंने मुझे फिर से कैंप ज्वाइन करने के लिए कहा कि आप जाओ और जो फादर का आपका सपना है उसे पूरा कीजिए। तो सर जब मैं स्पेन में था, जब मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो उस टाइम मुझे सिम्टम थे सर, तो कुछ दिन मुझे सिम्टम रहे वहां पे, लेकिन सर वहां पे फैसिलिटी थोड़ी मेरे लिए स्पेशल करवाई गई, और जो हमारे टीम डॉक्टर थे डॉक्टर करण जो, उन्होंने, उनके साथ रेगुलरली कॉन्टेक्ट में था मैं, और स्टाफ के साथ भी कॉन्टेक्ट, तो प्रैक्टिस के लिए मेरे वहां पे स्पेशल जो है स्पेस जो है एक अवेलेबल करवाया गया था सर, जहां पे मैं प्रैक्टिस करता था, थोड़ी फिटनेस रखता था, लेकिन फिर भी सर काफी टाइम लग गया रिकवरी के लिए कोरोना से, तो रिकवरी के लिए काफी टका। फिर जब मैं वापिस इंडिया आया सर, तो फिर जब मैं कैंप में रिटर्न हुआ, तो वहां पे मेरे कोचिज और स्पोर्टिंग स्टाफ ने बहुत मेरी हेल्प की, धर्मेंद्र सिंह यादव मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे बहुत बहुत हेल्प की उन्होंने रिकवरी के लिए, और मेरी गेम में फिर से रिदम में मेरे को फिर से वापिस लाने के लिए। आशीष जी, आपके परिवार जनों को भी मैं प्रणाम करता हूं, और आशीष जी आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर जी एक बड़ी महत्वपूर्ण खेल खेल रहे थे, और उसी समय उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, लेकिन उन्होंने खेल को प्राथमिकता दी, और
और खेल के माध्यम से अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। आपने भी वैसी ही कमाल की है, आपने आज अपने पिताजी को खोने के बावजूद भी देश के लिए, खेल के लिए पूरा मन वचन एक प्रकार से जुट गए हैं। आप सचमुच में, आपका उदाहरण बड़ा प्रेरक है। आप एक खिलाड़ी के तौर पर हर बार विजेता साबित हुए हैं, इसके साथ ही एक व्यक्ति के तौर पर आपने शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों दोनों पर विजय प्राप्त की है। आपसे पूरे देश को बहुत उम्मीद है। हमें विश्वास है कि ओलंपिक के प्लेटफॉर्म पर भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके परिवारजन को भी मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। आइए, हम सबका परिचित चेहरा है, परिचित नाम है, हम मैरी कॉम से बात करते हैं। मैरी कॉम जी, नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते सर। आप तो ऐसी खिलाड़ी है जिनसे पूरा देश प्रेरणा लेता है। इस ओलंपिक दल में भी बहुत से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनके लिए आप स्वयं भी एक आदर्श रही है। अगर वो भी आपको फोन करते ही होंगे, और अगर फोन करते हैं तो आपको क्या पूछते हैं? सर, घर में सब मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि वो लोग, बच्चे लोग ज्यादा मेरे को मिस करता है सर। और मैं समझाती हूँ कि मामा देश के लिए, लड़ाई के लिए जा रही हूँ, और आप लोग घर में पापा का उसका जो भी बोल रहा है उसको फॉलो करना है, और घर में आप लोग प्यार से रहना है, बाहर नहीं निकलना है। कोविड की वजह से सर वो लोग भी बहुत घर में बोरिंग हो जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, लेकिन इतना ओपन नहीं हो रहा है। बच्चों लोग का खेल कूद बहुत पसंद करता है सर, दोस्त लोग खेलने में भी बहुत अच्छा करता है, अच्छा हो रहा है, लेकिन इस बार कोविड वजह से सारे दोस्त लोग से भी दूर हो रहा है। और मैं बोला ये मामले में हम लोग फाइट करना है, अच्छा रहना है और सुरक्षित रहना है, सेफ्टी रहना है। और मैं भी देश के लिए, लड़ाई के लिए जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सुरक्षित रहो और मैं भी सुरक्षित रहे, और देश के लिए अच्छा करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। यही बात होती है सर। मेरे सामने दिख रहे हैं सब लोग। अच्छा, वैसे तो आप हर पंच में चैंपियन है, लेकिन आपका सबसे फेवरेट पंच कौन सा है? जॉब, हुक, अपरकट या कुछ और? और ये भी बताइएगा कि ये पंच क्यों आपका फेवरेट है? सर, मेरा फेवरेट पंचेस तो ये मेरा स्ट्रांग साउथ पोल है, तो मेरा सबसे फेवरेट है सर। तो इसमें कोई भी लोग को मिस नहीं कर पाते हैं, लगना ही तो लगना ही है बस। मैं जानना चाहता हूं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? सर, मेरा फेवरेट खिलाड़ी तो बॉक्सिंग में सर हीरो है, इंस्पिरेशन है, मोहम्मद अली है सर। उससे मेरे को इंस्पायर होके बॉक्सिंग चुना हूँ सर। मैरी कॉम जी, आपने बॉक्सिंग की करीब करीब हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है। आपने कहीं कहा था कि ओलंपिक गोल्ड आपका सपना है। ये आपका ही नहीं, पूरे देश का सपना है। देश को उम्मीद है कि आप अपना और देश का सपना जरूर पूरा करेगी।
मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवारजनों को प्रणाम है। आइए पीवी सिंधु जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। सिंधु जी नमस्ते। सिंधु जी, मुझे बताया गया कि आप टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक साइज कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी, अब गोची बावली में आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? गच्चीबावली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं ये चूज किया क्योंकि अभी ओलंपिक स्टेडियम बहुत बड़ा है और वो एसी और वो शक्ति कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए मैं ये सोचा कि ठीक है, अगर वो अच्छा स्टेडियम है तो क्यों, वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं खेलूं करके फेब्रुवरी से उधर प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट से परमिशन लिया था सर, ऑब्वियसली ये पैंडेमिक के वजह से वो लोग इमीडिएटली परमिशन देके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बोला था, तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम क्योंकि एज सून एज आई आस्क्ड परमिशन उन लोगों ने परमिशन दे दिया सर। तो इसीलिए मैं सोचा ठीक है, अगर अभी से स्टार्ट किया तो वो बड़ा स्टेडियम में खेला तो टोक्यो जाने के बाद उतना मुश्किल नहीं होता है, आई गेट यूज टू इट सो क्विकली, इसीलिए सर। आपके परिवारजन भी मेरे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर, क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी, तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। देखिए सिंधु जी, माता पिता दोनों खुद स्पोर्ट्स में रहे हैं और इसलिए मेरा मन करता है आज मैं उनसे भी एक बात जरूर करूंगा। आपको नमस्कार। आप ये बताइए, जब किसी बच्चे की रुचि खेल में जाने की हो तो कई पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को ढेरों आशंकाएं रहती है, आप ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सर, पेरेंट्स ये जानना चाहिए कि अगर अपने बच्चे हेल्थ वाइज अच्छे होंगे तो सब कुछ बड़ा होगा, क्योंकि आप थोड़ा खेलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, हर इश्यूज में आप लोग आगे बढ़ेंगे और जरूर आप ऊपर आ सकते हैं। आप एक सफल खिलाड़ी के माता पिता हैं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए कैसी पेरेंटिंग करनी होती है? सर पेरेंटिंग तो फर्स्ट पेरेंट्स ही तो डेडिकेट करना चाहिए सर, क्योंकि उनको एंकरेज करना है, वी हैव टू मोटिवेट देम। एंड आप तो जानते हैं गवर्नमेंट तो हर तरह से हर खिलाड़ी को सब फैसिलिटी दे रहे हैं, सो उसको हमारे बच्चों को समझाते हुए देश का नाम ऊपर करने के लिए बेटा मेहनत करना है और अच्छा नाम कमाना है करके हम उनको प्रोत्साहित करके हर जो भी बच्चों को हम ये पहले सिखाना है कि रेस्पेक्ट देना, जो भी है रेस्पेक्ट दो और उनका आशीर्वाद लो। सिंधु जी, आपके माता पिता ने आपको विश्व चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है, आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी, और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। आइए नमस्कार जी, एला से बात करते हैं। एला नमस्ते। नमस्ते सर। केम छो एला? हवे गुजराती बोले छे कि नहीं? हाँ सर, थोड़ूक आवड़े छे मने। एला, मुझे बताया गया कि आप पहले एथलेट्स में जाना चाहती थी, फिर ऐसा क्या ट्रिगर कर गया कि आपने शूटिंग को अपना लिया? सर मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए थे शूटिंग के पहले, मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स बहुत ही पसंद था, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, जूडो वगैरह ट्राई किया था, लेकिन
जब मैंने शूटिंग शुरू किया तब मुझे एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट मिला था इस गेम में, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा स्टेडी रहना होता है, बहुत ज्यादा कामनेस चाहिए होता है. तो सर बस वो जो कामनेस चाहिए थी वो थी नहीं मेरे पास, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है इससे ही बहुत कुछ सीखने मिलेगा मुझे इस गेम से. तो उसी उसी से सर बहुत ज्यादा लगाव हो गया गेम से. अभी मैं दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें मैं आपके माताजी पिताजी को सुन रहा था और वो संस्कार धाम में आपने इसका प्रारंभ किया था, इसका पूरा वर्णन कर रही थी और वहां का बड़ा गर्व के वहीं जाकर के वो आपको याद कर रही थी. अच्छा, स्कूल से ओलंपिक तक बहुत सारे युवा आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे. देखिए, मैं मणिनगर का MLA था और आप मणिनगर में रहते हैं, और जब मैंने खोखरा में मेरे असेंबली सेगमेंट में सबसे पहले स्पोर्ट एकेडमी जुड़ी की तो तुम लोग आप लोग खेलने आते थे, तब तो जो बच्ची थी, और आज मुझे तुम्हें देखने के बाद बड़ा गर्व होता है. तो बताइए कुछ अपनी बात. सर मेरी शूटिंग की प्रोफेशनल जर्नी संस्कार धाम से ही शुरू हुई थी. मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मॉम डैड का ही कॉल था कि ठीक है आप स्पोर्ट्स ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो कर लीजिए करके उन्होंने बोला था. तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात और गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी से जो MOU साइन हुआ था सर, तो संस्कार धाम ने उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल स्टार्ट किया था. तो पढ़ाई भी उधर ही होती थी, पूरा दिन हमारा ट्रेनिंग भी उधर ही होता था सर. तो सर वो जर्नी काफी अच्छी रही है क्योंकि वहीं से मैंने स्टार्ट किया, और अब जब मैं ओलंपिक्स मेरी फर्स्ट ओलंपिक्स के लिए जा रही हूँ सर, तो बहुत प्राउड फील होता है कि इतने लोगों की मदद, इतने लोगों ने मेरे इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और हमेशा गाइड किया है सर. तो काफी अच्छा लगता है सर. एला, अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, शूटिंग कैरियर और एकेडमीज को आप कैसे बैलेंस करती हैं? सर मैं तो इसके लिए मेरी यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी जो है और हमारे कॉलेज भवन जाट कॉलेज को थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि सर एक भी टाइम ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने मुझसे बोल दिया हो कि नहीं आपको कंपलसरी आके ये चीज करनी पड़ेगी. उन्होंने मुझे इतनी छूट दी थी, मेरे लिए एग्जाम्स भी वो लोग स्पेशल अरेंज करवा देते थे, मेरे लिए मेरे सेमिनार्स अलग से रखवा देते थे सर. तो काफी सपोर्ट किया है सर, मेरे पूरी जर्नी में उन लोग ने काफी सपोर्ट किया है और स्कूल ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया है सर. एला, आपकी जनरेशन एम्बिशियस भी है और मैच्योर भी है. आपने इतनी कम उम्र में विश्व स्तर पर सफलता प्राप्त की है, ऐसे में देश को उम्मीद है कि खेल के सबसे बड़े मंच पर भी आप इसी यात्रा को जारी रखेंगी. मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माताजी पिताजी को भी मेरा प्रणाम है. बड़ा कम आइए हम सौरभ चौधरी से बात करते हैं. नमस्कार सर. सौरभ जी नमस्ते. आपने इतनी कम उम्र में ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, कैसे और कब आपका ये मिशन शुरू हुआ? सर 2015 में मैंने शूटिंग अपना स्टार्ट किया था. हमारे पास के गांव में ही एक शूटिंग एकेडमी है, वहां पे मैंने स्टार्ट किया. मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने खुद ही कहा कि जब तुझे इतना पसंद है तो ट्राई करना चाहिए. तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने ट्राई किया, फिर मुझे अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे करते गया और जैसे जैसे धीरे धीरे करते गए ऐसे ऐसे रिजल्ट अच्छा आता गया, और रिजल्ट अच्छे आते गए, भारत सरकार हमारी मदद करती गई, तो आज हम यहाँ पर हैं सर. देखिए, आपके परिवारजन भी बड़े गर्व के साथ आज मुझे दर्शन हो रहे हैं उनके भी, कि भाई देखिए सौरभ क्या कमाल करेगा, सब उनकी आंखों में बड़े बड़े सपने दिखाई दे रहे हैं. देखिए सौरभ, मेहनत के साथ साथ शूटिंग में मानसिक एकाग्रता की भी बहुत जरूरत होती है, इसके लिए आप योग वगैरह करते हैं या कुछ और तरीका आपका है जो मुझे भी जानने में खुशी और देश के नौजवानों को भी जानने में खुशी होगी? सर मेडिटेशन करते हैं, अपना योगा करते हैं सुबह. सर शांत रहने के लिए ये तो हमें आपसे जानना चाहिए कि आप इतने बड़े मतलब पूरे हिंदुस्तान को संभाल रहे हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो? अच्छा सौरभ, ये बताइए आपके दोस्त, आपके साथी आपके पास आते हैं कि आपके साथ सेल्फी क्लिक करनी है, तो आपको क्या लगता है?
पहले तो नहीं करते जी, जब होंगे? नहीं जब मैं घर पर जाता हूँ तो हमारे गांव में पड़ोस में मेरे जो दोस्त है वो आते हैं, वो सेल्फी लेते हैं, मेरे जो पिस्टल है उसके साथ सेल्फी लेते हैं, काफी अच्छा लगता है। मैं भी इसी फोकस और स्थिरता की जरूरत है। आपको तो अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है, देश के लिए कई मुकाम हासिल करने हैं। हम सभी को विश्वास है कि आप ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भविष्य में भी बहुत आगे आएंगे। आपको और आपके परिवारजनों को मेरा प्रणाम। आइए हम शरद कमल जी से बात करते हैं। शरद जी नमस्ते। नमस्ते सर। शरद जी आपने 3 ओलंपिक्स में भाग लिया है, आप तो बड़े जाने माने खिलाड़ी हैं। आप उन युवा खिलाड़ियों को क्या सुझाव देंगे जो पहली बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इस बार जो ओलंपिक्स होने वाली है ये काफी एक नया सिचुएशन में हो रही है, बल्कि ये COVID-19 के टाइम में हो रही है। तो पिछले 3 जो ओलंपिक्स था इस ऐसे अनुभव कुछ भी नहीं था जहां पे हमारा कंसंट्रेशन पूरी स्पोर्ट से हटके जो हमारी सेफ्टी के लिए है, जो प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना है उस पे ध्यान चले। मगर इस बार स्पोर्ट्स के अलावा हमें बाकी कुछ में भी ध्यान ध्यान देना पड़ रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो जो नए जा रहे हैं पहले ओलंपिक्स में, हाँ जाने से पहले हमें इट इज मतलब स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम अगर हम प्रोटोकॉल्स और ये सही नहीं मेंटेन करते हैं तो हम गेम से ही बाहर हो सकते हैं। सो वी हैव टू मेंटेन वो प्रोटोकॉल्स, और वंस हम जैसे हम ओलंपिक्स चले जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारा स्पोर्ट में होना चाहिए। तो जब तक हम जाएंगे ठीक है, कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट में भी रखते हैं और अपना प्रोटोकॉल्स में भी रखते हैं, मगर जैसे वहां पे चले गए कंप्लीट फोकस ऑन अपना स्पोर्ट के लिए। शरद जी आपने जब खेलना शुरू किया था तब और अब आपको लगता है कि टेबल टेनिस को लेकर कुछ बदलाव आए हैं? स्पोर्ट्स से जुड़े सरकारी डिपार्टमेंट्स के अप्रोच में आपने कुछ बदलाव महसूस किया है? बहुत कुछ, बहुत सारे फर्क हुए हैं सर। जैसे 2006 में जब मैं पहली बार कॉमनवेल्थ के मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, और अब की बात 2018 में जब हम सब मिलके गोल्ड मेडल जीते, जैसे मनिका बत्रा ने भी जीती थी, मतलब 2 फर्स्ट वीमेन फीमेल इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल्स, तो उन्होंने 2 जीते, हमने भी मेन में 1 जीते, और 8 मेडल जब आए, वो 2006 की और 2018 में बहुत फर्क थी। मेन थिंग यही था कि स्पोर्ट्स एक प्रोफेशनल फील्ड बना था। जब 2006 में तब मैं जीता था तब स्पोर्ट्स में उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। हाँ वो इंडस्ट्री एकदम तब भी वो एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब पढ़ाई पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, स्पोर्ट्स एक साइड लाइन थी। मगर अभी ऐसे नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जो अपॉर्चुनिटीज अभी है एक करियर बनाने में, एक प्रोफेशनल बनने में स्पोर्ट्स के बराबर, वो अभी बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे बच्चे उसको बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स को भी वो एक थोड़ा बहुत गारंटी मिलती है, गारंटी से ज्यादा एक कॉन्फिडेंस मिलती है कि मेरा बच्चा अगर स्पोर्ट्स पे भी आएगा तो वो संभाल सकता है, अपना जिंदगी वो संभाल सकता है। आई थिंक ये माइंडसेट बहुत अच्छी चेंज है। शरद जी आपके पास सिर्फ टेबल टेनिस ही नहीं बल्कि बड़े इवेंट का बहुत विशाल अनुभव है। मुझे लगता है कि अनुभव आपके काम तो आएगा ही, साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रही देश की पूरी टीम के काम आने वाला है। आप एक बड़े की भूमिका में इस बार एक प्रकार से पूरी टीम को एक विशेष भूमिका भी आपके सामने आई है, और मुझे विश्वास है कि खुद के खेल के साथ साथ उस पूरी टीम को संभालने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और आप उसे बखूबी निभाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं है, और आपके टीम को भी, आपके स्वजन भी मुझे दिख रहे हैं उनको भी मेरा नमन। आइए मनिका बत्रा जी से बात करते हैं। मनिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। मनिका मुझे बताया गया है कि आप टेबल टेनिस खेलने के साथ ही
गरीब बच्चों को ये खेल सिखाती भी है, उनकी मदद भी करती है। आप खुद ही युवा हैं, आपके विचार कैसे आया? सर, जब मैं पहली बार यहाँ पुणे में खेलती हूँ तो वहाँ आई थी, तो मैंने देखा जो अनप्रिविलेज्ड और ऑर्फन्स थे बहुत अच्छा खेल रहे थे, और यहाँ के जो सेंटर में उनको सिखाते हैं तो बहुत अलग था मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको जो चीजें नहीं मिली या पहले नहीं कर पाए तो मुझे इनको हेल्प करनी चाहिए कि ये भी मेरे को फॉलो करके अच्छे प्लेयर बन सके। तो आई थिंक वो चीज मुझे, जैसे वो प्लेयर्स बच्चे खेलते हैं, मुझे उनको देख के मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस आता है। मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हारे परिवार जन, तुम्हारे मित्र सारे हंस रहे हैं। मरिका, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन है, आप बच्चों को भी अपने खेल से जोड़ रही हैं। आपकी सफलता सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं बल्कि देश के सभी टेबल टेनिस युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। मेरी आपको बहुत शुभकामना है, आपके सभी साथियों को, सब बड़े उत्साह से आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, आपके परिवारजन सब देख रहे हैं, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम विनेश जी से मिलते हैं, विनेश फोगाट जो। विनेश नमस्ते। सर नमस्ते। आप फोगाट फैमिली से हैं, आपके पूरे परिवार ने खेलों के लिए इतना कुछ देश को दिया है, इस पहचान की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर, थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी तो नहीं आ जाती है? सर, जिम्मेदारी तो बिल्कुल आती है, क्योंकि फैमिली ने जो काम स्टार्ट किया है वो खत्म करना है, और वो जो सपना ओलंपिक्स का लेके स्टार्ट किया था वो जब मेडल आएगा उसके बाद ही शायद खत्म होगा। तो उम्मीद तो है सर, पूरे देश की उम्मीद है, फैमिली की भी उम्मीद होती है, और मुझे लगता है कि उम्मीदें जरूरी हैं हमारे लिए, क्योंकि जब उम्मीदें दिखती है तभी हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करते हैं एक लेवल पे जाने के बाद में। तो अच्छा लगता है सर, कोई प्रेशर नहीं है, अच्छे से खेलेंगे और देश को प्राउड करने का बिल्कुल मौका देंगे। देखिए, पिछली बार आपको रियो ओलंपिक में चोट की वजह से हटना पड़ा था, पिछले साल भी आप बीमार थी, आपने इन सारी बाधाओं को पार कर शानदार प्रदर्शन किया। इतने स्ट्रेस को सक्सेस में बदलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये कैसे किया आपने? सर, डिफिकल्ट होता है काफी, बट वही है कि एज एथलीट, हम एथलीट टॉप लेवल पे अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें मेंटली स्ट्रोंग रहना पड़ता है, और एज एथलीट मैं सोचती हूँ कि हमें ये जरूरी है उस लेवल पे ले जाने के लिए, वो पुश करने के लिए। सो फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहता है आपके पीछे, तो फैमिली का सपोर्ट रहता है हमेशा, और जो भी हमारी फेडरेशन है या टॉप्स है, साई है, सभी लोग पूरा ईमानदारी के साथ में लगे रहते हैं, तो एक रहता है कि नहीं, उन लोगों को निराश नहीं करना है जो लोग इतना सब हमारे पीछे लगा रहे हैं उम्मीदों के साथ में, तो ऐसे कहीं पर रुकना नहीं है, क्योंकि वो रुकना नहीं है इसीलिए वो हमें पुश कर रहे हैं। वो काफी चीजें हैं सर उस टाइम पे याद आती हैं, तो हम उसके लिए लगे रहते हैं, चाहे इंजरी हो चाहे कोई भी चीज आए। मुझे तो पूरा यकीन है कि आप टोक्यो में बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाली है, क्या हम उम्मीद करें कि अब आप आगे, आप पर भी एक फिल्म आने वाली है? सर बस आप लोगों की दुआ है, और चाहेंगे कि हम सभी जितने भी एथलीट जा रहे हैं अपने कंट्री को मौका दे, हर दिन मेडल आते रहे, और आप लोग जो पूरा देश जो उम्मीदें लगाए बैठा है उनको हम निराश ना करें। आपके माता पिताजी भी जुड़े हैं, आपके पिताजी तो आपके गुरु भी हैं एक प्रकार से, जरा मैं पिताजी से बात जरूर करना चाहूंगा। आपसे मेरा सवाल जरा थोड़ा हट करके है। राजन जी नमस्ते। मुझे बताया गया है कि आपकी तो माता जी ने भी एथलीट्स में देश का गौरव बढ़ाया है, अपनी माता जी से आपने क्या क्या सीखा? सर, माय मदर इज माय एवरीथिंग एंड शी टॉट, शी वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन इन अर्ली डेज एंड शी हेल्प मी टू come over all the struggles and hurdles for this achievement, sir. अच्छा, मुझे ये बताया गया कि आपको गहरी इंजरी भी हो गई थी, आप इससे कैसे उभरे सजन? uh,
First of all, for 18 months after the closure of pool, we had a lot of struggles, and with the injury, we were out of the pool for so long, and it was very frustrating and depressing at the first time. But with my support of all the people, my coaches, his wife Gauri Aunty, and Go Sports, Kerala Police, SF Swimming Federation of India, and FINA, everyone supported me through thick and thin. I think that has helped me to come out mentally strong and overcome this pain and from the injury, sir. साजन, आप ओलंपिक में जाने से पहले ही भारतीय खेलों के सुनहरे इतिहास में जगह बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्रदर्शन से इस ओलंपिक उपलब्धि को और स्वर्णिम बनाएंगे। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके सारे साथी बड़े उत्साह के साथ इस बार यहाँ जुड़े हुए हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। आइए हम मनप्रीत सिंह जी से मिलते हैं। मनप्रीत जी नमस्ते। नमस्कार सर। मुझे बताया गया कि कोरोना की पहली वेव के दौरान आप सभी साथी बेंगलुरु में एक साथ रहे, सबने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया, और इससे टीम स्पिरिट पर क्या असर पड़ा? सर एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का उस टाइम बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैंगलोर में कैंप में थे, तो उस वक्त ये था कि हम लोगों ने आज अपनी टीम को कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके ऊपर काम किया। हम लोगों ने एक दूसरे के प्लेयर्स के बैकग्राउंड के बारे में जाना कि हाँ कि किससे कैसे प्लेयर ने अपना बैकग्राउंड स्टार्ट किया, कैसे उनकी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया कि अपने बेटों अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उस चीज के बारे में जाना कि हाँ कि इससे क्या है कि हमारी टीम बॉन्डिंग है और ज्यादा स्ट्रांग होगी। और ये था कि सर हम लोगों ने यही माना था कि हमारे पास अभी एक और साल बाकी है, तो हम लोग अपने आप को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दूसरी टीम के बारे में स्टडी की, कैसे उनका क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट है, कि कहाँ पे हम लोग उनको हर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें काफी हमारे लिए हेल्पफुल रही सर। ओलंपिक में हॉकी में हमारे देश का बहुत शानदार इतिहास रहा है, ऐसे में स्वाभाविक है थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी का बहुत स्वाभाविक एक वातावरण बन जाता है, और हर कोई चाहता है कि रिकॉर्ड बना करके रखना है, और इसकी वजह से खेल के दौरान आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा तनाव का माहौल तो नहीं होता है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हॉकी ने अभी तक जो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, तो हम लोग इसको प्राउड फील करते हैं कि हम लोग उसी स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं। और जब भी हम लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि हाँ कि अपना पूरा बेस्ट है और इंडिया की मेडल जीते हैं। चलिए, आपके परिवारजन भी मुझे दिख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके आशीर्वाद आपके साथ बने रहते हैं, और देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ है। मनप्रीत, आपसे बात करते हुए मुझे मेजर ध्यानचंद, केडी सिंह बाबू, मोहम्मद शाहिद जैसे महान हॉकी खिलाड़ियों की याद आ रही है। आप हॉकी के महान इतिहास को और उज्जवल करेंगे, ऐसा मेरा और पूरे देश का विश्वास है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवारजनों को मेरा प्रणाम है। आइए अब हम सानिया जी से बात करते हैं। सानिया जी नमस्ते। नमस्ते सर। सानिया जी, आपने कई ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपने खेला है, आपको क्या लगता है कि टेनिस का चैंपियन बनने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए? क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि टियर 2 टियर 3 सिटी में भी आप लोग उनके हीरो हैं और वो टेनिस सीखना चाहते हैं। जी सर, आई थिंक टेनिस एक ऐसा ग्लोबल स्पोर्ट है जिसमें जब मैंने स्टार्ट किया था 25 साल पहले तो जाहिर बात है ज्यादा लोग टेनिस खेलते नहीं थे, लेकिन आज जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेनिस रैकेट उठाना चाहते हैं और जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और जो बिलीव करते हैं कि वो टेनिस में एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। उसके लिए आपको जाहिर बात है मेहनत की जरूरत होती है, सपोर्ट, लगन, और बहुत बहुत सारी आई थिंक डेस्टिनी भी एक रोल प्ले करती है इसमें। लेकिन मेहनत के और टैलेंट के बगैर कोई भी चीज में कुछ नहीं होता, चाहे वो टेनिस हो या कोई भी स्पोर्ट हो। और अब फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हो गए 25 साल पहले से अब तक, तो अभी तो बहुत सारे अच्छे स्टेडियम्स बन गए, हार्ड कोर्ट्स हैं, तो मैं उम्मीद यही है कि और सारे बहुत सारे टेनिस प्लेयर निकले इंडिया से इंशाल्लाह।
ओलंपिक में आपके साथी अंकिता रैनी के साथ आपकी पार्टनरशिप कैसी चल रही है? आप दोनों की तैयारी कैसी है? अंकिता एक यंग खिलाड़ी है, बहुत बहुत अच्छा खेल रही है हाल में, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले विथ हर. हम लास्ट ईयर खेले थे फेब्रुवरी में, जो फेड कप के मैचेस थे, और उसमें हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था. लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू ओलंपिक्स. जैसे मेरा चौथा ओलंपिक्स है, उसका पहला ओलंपिक्स है, तो थोड़ा सा अभी मेरे उम्र के साथ यंग पैरों की जरूरत है, तो आई थिंक वो प्रोवाइड कर सकती है. सानिया, आपने पहले भी स्पोर्ट्स के लिए सरकारी विभागों में कि उसके कामकाज को भली भांति देखा है, पिछले 5-6 साल में आपको क्या बदलाव महसूस हुआ है? जैसे मैंने कहा, आई थिंक 5-6 साल ने, अब यू नो, जब से हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है सर, तब से आई थिंक कि बिलीफ जो आ गया है कि हमारे कंट्री में से क्रिकेटर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो देश के लिए नाम कमाते हैं और देश के लिए बहुत अच्छे, देश को बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचाते हैं. आई थिंक वो बिलीव धीरे धीरे लास्ट 5-6 साल में और भी बढ़ गया है. और आप तो गवर्नमेंट और से हमें हमेशा ही सपोर्ट मिलता है. मैं आपसे जब पर्सनली भी मिली हूँ, आपने हमेशा मुझे यही कहा है कि आप हर चीज में साथ देंगे. तो इसी तरह 5-6 साल में बहुत कुछ, और ओलंपिक, लास्ट ओलंपिक से अब ओलंपिक्स तक भी काफी सारा फर्क है. मैं 2 साल ऑफ थी, जाहिरी बात है, जब मैं, मेरा बच्चा हुआ था, तो लेकिन तब से लेके अब तक मैं जो लास्ट ईयर से आई हूँ, मुझे बहुत सारा फर्क नजर आया. सानिया, आप चैंपियन भी हैं, फाइटर भी हैं. मुझे उम्मीद है कि आप इस ओलंपिक में ज्यादा बेहतरीन और सफल खिलाड़ी बनकर उभरेगी. मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. वैसे सभी से बात नहीं हो पाई, लेकिन आपका जोश, आपका उत्साह पूरे देश के सभी लोग आज महसूस कर रहा है. कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित देश के खेल मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, अब से कुछ दिन पहले तक खेल मंत्री के रूप में आप सबके साथ बहुत काम किया है, ऐसे हमारे वर्तमान कानून मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी,